माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक गाउन जो कि मैंने ऑर्डर किया था मिंत्रा से, जो कि मुझे कल ही रिसीव हुआ है। इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। मैंने इसे पहले ही ओपन करके देख लिया था हमेशा की तरह, तो मैं अभी आज यही वीडियो में आपको इसी का रिव्यू देने वाली हूँ। मैं इसकी जो भी पिक्चर है वो स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप देख लेना। तो ये वाला जो गाउन है मैंने ऑर्डर किया था मिंत्रा से, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर का ये गाउन लगा था गाइस मुझे। जैसे मैंने इसे देखा था ना, मैंने तुरंत इसे ऑर्डर कर लिया था। मैं इसका प्राइस जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, डोंट वरी। तो ये आप देख लीजिए, ये इस तरह का ये गाउन है। मैं आपको उसको पूरा फुल ओपन करके अभी दिखाऊंगी, इसका पूरा रिव्यू दिखाऊंगी। और ये ना वन पीस गाउन है, इसके साथ पैंट और दुपट्टा कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ वन पीस ही गाउन है। जैसा वन पीस होता है ना उस टाइप का, ये पूरा सिंपल सिर्फ गाउन ही रिसीव हुआ है। यहाँ पे सिर्फ गाउन ही रहेगा, इसके साथ दुपट्टा और पैंट नहीं मिलेगा। तो गाइज ये है वो गाउन, है ना जोरदार। ये सी स्लीव गाइज, ये गाउन बहुत ही प्यारा है। ये मैंने जैसे देखा था ना, मुझे इतना पसंद आया था। और मिंत्रा से ऐसे जो भी चीज़ पिक्चर में दिखती है वैसे सेम रिसीव होती है। हाँ थोड़ा कलर का चल जाता है, बट गाइज ये गाउन ना मुझे एग्जैक्टली वैसे ही रिसीव हुआ है जैसे मैंने ऑर्डर किया था। ये देख सकते, मैं आपको ये पास से दिखा रही हूँ करीब से, ताकि आपको इसका वर्क अच्छे से समझ में आए कि ये किस टाइप का वर्क किया गया है इस पर। इस पर ना सिक्वेंस का वर्क किया गया है गाइस, ये ना ऐसे टिकली ये वाली, ये ऐसे गोल गोल बारीक बारीक से छोटे छोटे से टिकली का वर्क किया गया है। ये ऐसे लंबी वाली टिकली का यहाँ पे यूज़ किया गया, पता नहीं अब इसे क्या कहते हैं। और ये वाला, ये ऐसा शाइनिंग सिल्वर कलर का ऐसा यहाँ पे टिकली बोलूँगी मैं तो, उसे मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं। इसका ये वर्क किया गया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है गाइस। इसके स्लीव पे भी ना आपको सेम वर्क मिलेगा, स्लीव पे यहाँ पे भी बॉर्डर पे सेम वर्क मिलेगा देखने को। और स्लीव पे भी ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं कोई सीक्वेंस के, और बहुत ही ना डिसेंट लुक दे रहा है, एकदम से ब्यूटीफुल सा बहुत ही प्यारा सा ये लुक दे रहा है। सेम दोनों स्लीव पे आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलेगी। और इसके जो सामने का ये वाला पार्ट है ना, ये नेट का है। वैसे तो पूरा गाउन ही नेट का है, बट ये वाला पार्ट नेट का है। और इसमें ना सिर्फ इस तरह के अंदर में ऐसे इनर लगी हुए, ऐसा वो गोल कट नहीं होता है, ऐसे वाला हार्ट शेप तरह के यहाँ पे ना ऐसे अंदर में इनर प्रोवाइड की गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिख रहा है या पिक्चर में, ये इनर दिख रही है आपको अंदर में, ये वाली इनर इतनी बस इतनी ही यहाँ पे इनर प्रोवाइड की गई है। इतना जो है वो सिर्फ नेट है, वहाँ पे कोई इनर वगैरह नहीं है। वहाँ पे आपका ऐसा पूरा नेट आ जाएगा और यहाँ तक इनर प्रोवाइड की गई है, यहाँ तक इनर है और यहाँ से पूरा सा नेट का आ जाएगा। जो डिज़ाइन वो डिज़ाइन ही वैसे बनाई गई है, ये देख लीजिए आप। और गाइस ये जो है ना, ये जो इनर है ना अंदर लगी हुई, ये जो अंदर लगी हुई जो इनर है इसे ना स्टिच करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिर ये इसे पहनने के बाद ना ये वैसे गिर जाएगा कन्फर्म, मतलब पहनने के बाद तो गिर जाएगा ना ये, इसे पहनेंगे कैसे। इसे पहले स्टिच करना पड़ेगा, ये जो भी इनर है अंदर लगी हुई उसके पहले स्टिच करके आप फिर उसे पहन सकते हो। या फिर आपके पास और कोई आइडिया है इसे वियर करने का तो आप पहन सकते हो, बट मुझे तो फिलहाल अभी यही आइडिया दिख रहा है। तो ये हो गया इसका स्लीव, आप देख सकते हैं इसका ब्लाउज ऊपर का कितना प्यारा, इसका बॉडी जो है बॉडी पार्ट कितनी प्यारी डिजाइन इस पे की गई है। गाइस ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन है, रियल में तो बहुत ही ब्यूटीफुल है।
ये बिल्कुल वैसे ही रिसीव है जैसे मैंने ऑर्डर किया था, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही। और आजकल के इतने प्यारे प्यारे प्रीटी गाउन देखने को बहुत कम मिलते हैं, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में। मार्केट में जाओगे तो आपको ये नहीं, ऐसे गाउन्स देखने को मिलते ही नहीं है हमारे इधर नागपुर में, तो ऐसे गाउन्स है ही नहीं, आज तक तो मुझे देखने को ही नहीं मिले हैं। बट ना मिंत्रा पे काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन के गाउन कुर्ता सेट वगैरह आ जाते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्सपेंसिव होता है। और कभी कभी अगर कोई सेल आ गया तो वहाँ पे प्राइस थोड़ा ड्रॉप भी हो जाता है, तो फिर वहाँ से शॉपिंग करना इजी हो जाता है। और इसका जो फ्लेयर है ना गाइस, ये गाउन का जो फ्लेयर है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि बस ऐसा चिपटा हुआ नहीं है, एकदम सिंपल नहीं है, काफ़ी अच्छा फ्लेयर यहाँ पे दिया गया है। और कपड़े की क्वालिटी और नेट फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट है, एकदम कड़क नहीं है, अनकम्फर्टेबल नहीं लगेगा, चुभेगा नहीं पहनने के बाद। कंफर्टेबल कपड़ा है ये तो मैं बोलूँगी, इसका मटेरियल भी अच्छा है, सॉफ्ट है। कुछ कुछ कपड़े पहनने के बाद ना गर्मी होती है, क्योंकि वो होते ही ऐसे शायद उसके फैब्रिक की वजह से या फिर जो अंदर इनर प्रोवाइड की जाती है उसकी वजह से। बट इसके अंदर ना जो इनर प्रोवाइड की गई है वो भी एकदम सॉफ्ट क्रीप है, क्रीप मटेरियल की इनर प्रोवाइड की गई है इसके अंदर, वो भी और सॉफ्ट है, मुलायम कपड़ा है, इसमें गर्मी नहीं होने वाली और ये अनकम्फर्टेबल नहीं लगेगा। और पहनने में तो ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बिल्कुल भी पहनने में भी हैवी नहीं लगने वाला। पहनने के बाद ऐसा लगेगा आपको कि आपने सिर्फ कोई नॉर्मल कुर्ती ही पहनी है, बट एक्चुअल में ये आपको बहुत प्यारा सा एकदम प्रीटी सा बार्बी डॉल वाला लुक देने वाला है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और भी बहुत सारे मज़ेदार प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।